जोधपुर एसीबी की टीम ने ट्रेप की बड़ी कार्रवाई करते हुए रातानाड़ा के थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह चारण को 1,48,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं कार्रवाई के दौरान थाने का थानेदार गणपत फरार हो गया। एसीबी ने थानेदार गणपत को भी घूसखोरी का आरोपी बनाया है। एसीबी को परिवादी विक्रम सिंह राठौड़ से शिकायत मिली थी कि वो एक निजी कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कराता है। रातानाड़ा थाने में उसके खिलाफ फर्जी आईआरएस बनकर ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस दौरान थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह और थानेदार गणपत, जो मामले में जांच अधिकारी है, दोनों ने उससे घर से 4,00,000 रुपए जब्त किए, लेकिन रकम माल खाने में जमा नहीं कराई। शिकायत में परिवादी ने उसके घर से रुपए लेने का सीसीटीवी फुटेज भी एसीबी को दिया है। जब इस बारे में थानाधिकारी से बात की गई तो उसने 2,00,000 रुपए अपने पास रखकर बाकी राशि देने की बात कही। एसीबी ने मामले का सत्यापन करवाने के बाद शुक्रवार को ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें थानाधिकारी ने परिवादी को 1,48,000 रुपए वापस देने के लिए थाने में बुलाया। एसीबी ने थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह को उसके चैम्बर में परिवादी को 1,00,000 रुपए वापस देते हुए गिरफ्तार किया। घूस की शेष राशि 48,000 जांच अधिकारी थानेदार गणपत की आलमारी से जब्त करने की बात सामने आई है। फिलहाल एसीबी ने थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह चारण को गिरफ्तार कर लिया है और फरार थानेदार गणपत की तलाश शुरू कर दी है।